दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपना ये सीरीज है आपका, वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका जो उस सिलेबस में है आपके एएलपी का, तो उसमें एक ऑप्टिकल फाइबर भी है। ऑप्टिकल फाइबर जो है उसके बारे में हम लोग को जानना है, और उसके थोड़ा सा कम्युनिकेशन जो पार्ट होता है कि वो ऑप्टिकल फाइबर में कम्युनिकेशन कैसे होता है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, तो ये हम लोग टॉपिक चालू करने वाले हैं। उसके पहले आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि एक आप लोगों के लिए सबसे खुशखबरी समझ आ रहा है कि आपका जो है नोटिफिकेशन आज आ चुका है, जिसमें कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो एग्जाम है वो मतलब कि प्री और मेंस मतलब दो स्टेज में लिया जा रहा है। प्री में जो है आपका एफटी रीजनिंग और जनरल साइंस है, और जो आपका सेकेंड टायर में है वो क्या है आपका, केवल जो है जिस ब्रांच से आप हैं उसी ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपके 150 क्वेश्चन हैं। तो देखिए, अब जो है आपको जो मैकेनिकल और सिविल का टेंशन था वो बिल्कुल नहीं है। अब जो है आप इसी का है, तो केवल इसी पढ़ना है, और आपका नॉन टेक है। तो अब जो हम लोग क्या करने वाले हैं कि जेई के लिए क्लास बहुत जल्द ही चालू करने वाले हैं, और इस वाले में जो है पहले सिलेबस जो है हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि सिलेबस में क्या क्या है आपका मेंशन किया हुआ, उसके अनुसार बिल्कुल उसी के लिए जो है क्लास स्टार्ट किया जाएगा। और हम लोग का मेन टारगेट रहेगा कि 1 से 1.5 महीने में पूरा सिलेबस जो है टेक्निकल का, पहले तो नॉन टेक्निकल का खत्म करना है, पैरेलल में आपका टेक्निकल भी चलता रहेगा, ताकि आपका नॉन टेक इतना कवर हो जाए ताकि आप मतलब कि अंदर क्वालिफाई हो जाए, और इसके बाद जो है आप टेक्निकल पे फोकस करें। तो जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर रहे होंगे, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी बच्चे आएंगे उतना ही आपके लिए भी फायदा रहेगा और हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो ऑप्टिकल फाइबर की है, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, ये आपके यदि आपके पास सिलेबस होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, सिलेबस में आपका जो मैक्सिमम जो पोर्शन कवर करना है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, वो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानना है। और आपका एक थोड़ा सा इसमें टेस्टिंग है, तो टेस्टिंग जैसे कि स्प्लैशिंग जो करते हैं केबल का, वो कैसे करते हैं, तो वो हम अपना नेक्स्ट नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम कवर कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऑप्टिक फाइबर का जो होता है क्या होता है इसका बेसिक यहाँ पे जानेंगे, टाइप क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और आपका जो है लॉसेस कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज हम इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक फाइबर। तो देखिए, ऑप्टिक फाइबर ये एक क्या होता है कि आपका ट्रांसमिशन मीडियम होता है। ट्रांसमिशन मीडियम यानी कि जिसके थ्रू क्या होता है कि डाटा को सेंड किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। जैसे आपका पहले जो था आपका कोएक्सियल केबल था, ट्विस्टेड वायर पेयर था, ये भी एक क्या था, एक ट्रांसमिशन मीडियम था, जिसके थ्रू हम क्या करते थे अपने डाटा को ट्रांसमिट करते थे बाई द कोएक्सियल केबल और आपका ट्विस्टेड पेयर। उसमें एक प्रॉब्लम ये आ गई थी कि यदि जैसे ही हम बैंडविथ को बढ़ाते थे तो उसमें रेडिएशन लॉस होने लगता था, तो यानी कि हाई बैंडविथ हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हम उसके थ्रू सेंड नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए क्या किया गया, ऑप्टिक फाइबर लाया गया। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, कैपेसिटी है हैंडल करने की, उनके कंपेयर में बहुत ज्यादा है, वो मेगा में ही था। यदि कोएक्सियल केबल की बात किया जाए, ट्विस्टेड पेयर की बात किया जाए तो किलोहर्ट्ज़ में था, कोएक्सियल केबल की बात किया जाए तो मेगा में आया था, और ये जो है आपका गीगा में काम करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है इसका रेंज जो होता है वो गीगा में होता है। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक फाइबर क्या होता है। बेसिकली ये एक ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं डाटा को सेंड करते हैं, और ये जो होता है आपका जो है ऑप्टिकल फाइबर इज ए फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट फाइबर विच इज मेड बाई द ड्रॉइंग ग्लास सिल्का और प्लास्टिक्स। तो ये बेसिकली बना किसका होता है, तो ये देखिए आपका जो है ग्लास होता है ना, ग्लास सिल्का जो होता है उसका ये बना होता है, ठीक। और ये इतना पतला होता है जो आपका बाल है ना, जो बाल आपके सिर पे होगा तो उस बाल से भी पतला होता है इसका डायामीटर। इसका जो डायामीटर होता है वो बाल से भी पतला होता है, बहुत ये थीकर होता है ये। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसका, कि ऑप्टिकल जो फाइबर होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, इसका डायामीटर लगभग 0.25 मिलीमीटर से आपका 0.5 मिलीमीटर के रेंज में होता है इसका डायामीटर। और इसका स्ट्रक्चर कुछ देख लीजिए आप, यदि डायामीटर ऑप्टिकल फाइबर कहीं देखे होंगे तो जो बिछाया जाता है आज के डेट में जितना भी जो आपका वायर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही हो रहा है,
आपके यहाँ जो नेट भी प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है वो भी ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर का कुछ कंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, एक कोर होता है आपका और एक क्लाइडिंग होता है। कोर और क्लाइडिंग होता है, अभी टॉप व्यू दिखेगा तो ये आपका दिखेगा कोर और क्लाइडिंग। तो देखिए कोर आपका ये अंदर वाला पार्ट जो होता है कोर होता है, जो कि क्या होता है कवर्ड बाई क्लाइडिंग होता है, और क्लाइडिंग जो होता है कवर्ड बाई जो प्लास्टिक मटेरियल से वो कवर्ड होता है। तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप से होता है। अब हम बात करने वाले हैं इसमें कि वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है जिसपे कि ऑप्टिकल फाइबर आपका जो है वो डेटा को ट्रांसमिट करता है। तो देखिए जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर वो होता है टोटल इंटरनल आपका रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे क्या होता है ये बेस्ड होता है। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लाइट में पढ़े होंगे, जो लाइट चैप्टर फिजिक्स का होगा उसमें आप जरूर पढ़े होंगे कि जब कोई इंसिडेंट रे जो होती है किसी मीडियम से, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, इसके लिए आप बात ध्यान रखिएगा कि इसके लिए हमेशा क्या होता है डेंसर टू रेयर मीडियम होनी चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो यदि नॉर्मल यदि देखा जाए कि यदि ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि इस तरह से है ये आपका नॉर्मल है, तो यदि कोई इंसिडेंट करती है तो ये क्या देगी नॉर्मल से दूर जाती है। ठीक, ये आपका इंसिडेंट एंगल होता है थीटा आई, जैसे जैसे आप थीटा आई बढ़ाते जाते हैं तैसे तैसे ये दूर जाती है, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ये दूर जाएगी। एक कंडीशन यहाँ पे आता है जो कि मतलब कि ये क्या हो जाती है, ये बाउंड्री पे हो जाती है आपके रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का, और इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं जिसपे कि आपका रिफ्लेक्शन जो होता है 90 डिग्री होता है, तो उसको क्रिटिकल एंगल थीटा सी बोलते हैं। और जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इसको बढ़ाएंगे तो इस केस में क्या होता है ये आपका जो है इसी मीडियम में जिस मीडियम से ये रे मतलब कि इंसिडेंट हुई थी उसी मीडियम में ये फिर से क्या हो जाती है रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि जिस मीडियम से आपकी जो लाइट वेव थी ट्रांसमिट हुई थी उसी मीडियम में बैक रिफ्लेक्ट होकर आ गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और ये कैसे होता है आप देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले ये थोड़ा सा मतलब आपका रहता है थीटा एंगल इंसिडेंट एंगल, तो ये क्या होती है नॉर्मल से थोड़ा सा अवे होती है, जैसे बढ़ाते हैं फिर ये अवे होती है, इसके बाद ये 90 डिग्री आते हैं, जहां पे 90 डिग्री होता है उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब क्रिटिकल एंगल से यदि ज्यादा इसकी वैल्यू हुई तो फिर क्या हो जाएगा आपका बैक टू डेंसर मीडियम, तो इसी मीडियम में आ जाती है, इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम बोलते हैं। और इसी फिनोमिना पे जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर का जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है इन द फॉर्म ऑफ द लाइट होता है ऑप्टिकल फाइबर में, तो वो जो डेटा का ट्रांसफॉर्म होता है इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो बेसिकली किस पे बेस्ड होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर का जो कम्युनिकेशन होता है वो मतलब किस पे बेस्ड होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। और इसके लिए जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब डेंसर मीडियम से लाइट रेयर मीडियम में इंटर करे, तो इसी कंडीशन में आपका वो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और इसके लिए जो कि देखिए जो आपका म्यू है यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए मीडियम 1 का मीडियम 2 से ज्यादा होना चाहिए, तब भी जो है लाइट क्या होगी रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो ये एक कंडीशन ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये आप देख रहे हैं ये आपका कोर है और ये क्लाइडिंग है जो कि इसको सराउंडेड बाय द क्लाइडिंग है कोर जो है आपका। देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका μ(1) है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्लाइडिंग का μ(2) है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि फॉर द प्रॉपर ट्रांसमिशन ऑफ द ऑप्टिकल लाइट रिफ्लेक्शन इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए रिफ्लेक्शन इंडेक्स में जो रिलेशन होता है वो कोर का रिफ्लेक्शन इंडेक्स हमेशा क्लाइडिंग के रिफ्लेक्शन इंडेक्स से ज्यादा होता है। यहाँ पे कोर आपका μ(1) लिए हैं तो ये μ(2) से बड़ा होगा। तो क्वेश्चन में थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है या फिर घुमा के आपको मतलब वैल्यू दे दिएगा μ1 μ1 2 का। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि रिफ्लेक्शन जो होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर में उसके लिए हमेशा कोर की जब रिफ्लेक्शन इंडेक्स होना चाहिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो जो है क्लाइडिंग के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग कि इसका जो है टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, कितने टाइप के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं।
बेसिकली जो होते हैं दो टाइप के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। फर्स्ट जो होता है आपका सिंगल मोड फाइबर होता है, जिसको SMF कहते हैं, सिंगल मोड फाइबर। सेकेंड जो होता है आपका भी वो मल्टी मोड फाइबर होता है। जैसे कि नाम सपोर्ट इसको सजेस्ट कर रहा है कि सिंगल मोड फाइबर है, यानी कि ये जो है सिंगल मोड को ही अलाउ करता है एक समय में। इसमें क्या होता है कि जो आपका लाइट का ट्रांसमिशन होता है बेसिकली वो एक ही होगा इसमें, मतलब सिंगल ये प्रोपेगेशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। सपोर्ट ओनली वन प्रोपेगेशन पाथ, एक समय में मात्र एक ही जो है वो लाइट वेव का ट्रांसमिशन होगा इसके थ्रू। दूसरा नंबर है कि देखिए, जब एक बार में एक ही जब सिंगल को ये ट्रांसमिट कर रहा है, यानी कि डायमीटर बहुत कम होगा इसका, तो इसका डायमीटर जो होता है वेरी स्मॉल होता है। और इसका जो है यूज जो किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज जो किया जाता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। यदि हमको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दूर तक भेजना है तो उस केस में हम यूज करते हैं आपका सिंगल मोड फाइबर यूज करते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। और इसमें देखिए लॉस जो होता है वो लेस होता है, जो इसमें लॉस जो होती है वो आपका कम होती है। और इसका बैंडविड्थ जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। तो जितने भी आपको हम यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे जो है ऑब्जेक्टिव बिट हैं, तो इसको आपको याद में रखना है। बेसिकली जो इसका बैंडविड्थ और आपका ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इसको जो है आप जरूर याद रखिएगा कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, और इसमें जो है बैंडविड्थ जो होती है इसकी ज्यादा होती है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका मल्टी मोड फाइबर है। तो देखिए मल्टी मोड फाइबर में क्या होता है एक्चुअली, कि नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये मतलब एक से ज्यादा मोड को सपोर्ट करेगा ये। तो यहाँ पे देखिए मेनी मोड को ये सपोर्ट करता है, यानी कि मेनी प्रोपोगेशन पाथ जो है इसमें होता है एक समय में। और जब मेनी हो रहा है तो भाई डायमीटर ज्यादा होगा, तभी उससे जो है कोर से जो है आपकी लाइट वेव ट्रेवल करेगी एक से ज्यादा, तो इसलिए इसका डायमीटर क्या होता है, लार्ज होता है। और ये यूज फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ये किसके लिए यूज होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है मल्टी मोड फाइबर। और इसका जो है लॉस जो होता है हाई होता है, और बैंडविड्थ जो होता है वो क्या होता है इसका, कम होता है। तो देखिए एक ही जगह हम यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि आपको कंपेरिजन करके याद रखने में सरल हो। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आपका ऑप्टिकल फाइबर का टाइप यहाँ पे हो गया, और कंस्ट्रक्शन एंड इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। अब जो हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि इसमें जो लॉस होता है और एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे।